हम इस बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी जो डिवाइसेज होती हैं वो सारी की सारी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं, सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं। सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्टडी कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक जो इंजीनियर होता है वो लो पावर पे बात करता है, और एक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वो हाई पावर पे बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में हमारी लो पावर एप्लीकेशन होती है सारी। यहाँ पे जो पावर यूज में लेते हैं वो मिली वोल्ट होती है या कुछ वोल्ट होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में क्या करते हैं हम, उसकी एफिशिएंसी कंसिडर नहीं होती है। मेन कंसर्न जो होता है वो हमारी डिस्टॉर्शन होती है। इसका मतलब है कि कोई भी हमने जैसे सिग्नल जनरेट किया है वो हमारा सिग्नल डेस्टिनेशन पे वैसे का वैसा पहुँचना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे मैं कुछ भी बोल रही हूँ तुम्हें वैसा का वैसा पहुंचना चाहिए। ये जो भी डेस्टिनेशन है वो तुम हो और सोर्स मैं हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ वो तुम्हें पहुंचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगा। कोई भी सिग्नल यदि प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है तो कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है तो उससे फिर क्या हो जाएगा कि डिस्टोर्शन हो जाता है हमारा सिग्नल। एक सेकेंड, ठीक है। और अब हमारी आती है बात, आती है पावर इंजीनियरिंग की बात आती है। पावर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हाई पावर की बात करते हैं। यहाँ पे हम मेनली हाई पावर से डील करते हैं। इसका मतलब है कि हम हाई पावर ही जनरेट करते हैं, हाई पावर ही हम सेंड करते हैं, और वो ही हम क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे जो मेन कंसर्न जो हमारा होता है वो होता है हाई फ्रिक्वेंसी होती है, सॉरी हाई एफिशिएंसी होती है। इसका मतलब है कि जो हम हाई पावर जनरेट कर रहे हैं वो ही हम ट्रांसमिट करेंगे, वो ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। यहाँ पे डिस्टोर्शन की बात नहीं हो रही। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग होती है वहाँ पे हमारा डिस्टोर्शन की बात होती है कि डिस्टोर्शन कम होना चाहिए, एफिशिएंसी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या होती है, डिस्टोर्शन हो सकता है लेकिन हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें सॉरी यहाँ पे आज कंटेंट शेयर नहीं कर पाई हूँ, इसके वजह से तुम देख नहीं पा रहे हो। जैसे कोई भी पर्सन बोलता है माइक में, हम बोलते हैं उसके बाद में माइक के बाद में, ये जनरल एग्जाम्पल है, सबको पता होता है कि एक एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर के बाद में क्या होता है, हमारा स्पीकर होता है जो सुनता है, ठीक है। माइक होता है वहां से हम सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, मतलब वहां पे हम जो बोल रहे हैं इसका मतलब हम जो होते हैं कोई भी पर्सन है वो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। एम्पलीफायर पर देते हैं, सबने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर काम करता है, मॉस्फेट भी करता है, ठीक है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी हम यूज में लेते हैं। तो जो हमारा एम्पलीफायर है वो क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाइड करके प्रोवाइड करवाता है स्पीकर को। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेन कंसर्न हमारा क्या है कि जो भी सिग्नल हमने जनरेट किया है वैसा का वैसा सिग्नल हमारा क्या होना चाहिए, वैसा का वैसा सिग्नल हमें स्पीकर पे मिलना चाहिए। बट यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी की बात नहीं होती है। जब हम मैक्सिमम पॉसिबल पावर सेंड कर पाते हैं सिग्नल को, तब हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, 50% होती है। लेकिन पावर इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अभी इसको हम ब्रीफ में यदि देखें तो बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम डिस्टोर्शन हमारा कम होना चाहिए, कोई भी सिग्नल हमारा या डाटा हमारा जो है हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसेप्शन पे हमारा डेस्टिनेशन पे हम उसको रिसीव कर रहे हैं, तो वो डाटा हमारा कम से कम डिस्टोर्शन होना चाहिए उसके अंदर, और एफिशिएंसी हमारा कंसिड्रेशन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। पावर इंजीनियरिंग में जो भी हम पावर का जो यूटिलाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन है या जनरेशन है, उसका जो मेन कंसर्न ये है कि उसका हाई एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए उसका यूटिलाइजेशन, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। पावर जो इंजीनियरिंग है उसमें क्या होता है कि हमारा जो पावर इंजीनियरिंग में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको हम यूज में लेके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसकी क्या हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो। इस तरीके से क्या हो गया, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। बिकॉज हम यहाँ पे पावर इंजीनियरिंग में यूज में ले रहे हैं, बिकॉज हम कह रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जो प्रिंसिपल्स हम यूज में ले रहे हैं वो हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, अजय कसवा तुम्हारा ये वीडियो बंद करो, फिर
ये क्या है, हमारा सोर्स आता है यहाँ पे। इसमें क्या करते हैं, हम एक सिस्टम देखते हैं जिसके अंदर सोर्स है, फिर पावर कनेक्टर सर्किट लगा हुआ होता है, फिर लोड है। फीडबैक सबको पता होगा कि आउटपुट का कुछ पार्ट यदि हम इनपुट में देते हैं तो उसको हम फीडबैक बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लोड का हम कुछ पार्ट क्या दे रहे हैं, पावर कन्वर्टर सर्किट में दे रहे हैं, वो कंट्रोल सर्किट से दे रहे हैं। कंट्रोल सर्किट एज ए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, फीडबैक का काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, जो भी हमारा सोर्स होता है वहाँ पे हमारा सिग्नल होता है, सोर्स जनरेट करता है सिग्नल को। तो सिग्नल होता है वो वोल्टेज, करंट, एसी, डीसी कुछ भी हो सकता है। ये सबको पता है कि जो इंडिया में जो एसी वोल्टेज आता है वो 230 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का होता है, ठीक है। ये सोर्स जनरेट कर देता है। पावर कन्वर्टर सर्किट क्या करता है, उसका जो काम होता है वो कर देता है पावर कन्वर्टर सर्किट, एंड उसका जो आउटपुट होता है वो भी वोल्टेज, करंट, एसी और डीसी होता है, जो कि लोड को देता है। अब क्या करते हैं, लोड का कुछ पार्ट कंट्रोल सर्किट में जाता है। कंट्रोल सर्किट में फीडबैक हम इसलिए यूज में ले रहे हैं ताकि हमारा जो आउटपुट हमें प्राप्त करना है वो हम हमारा आउटपुट प्राप्त कर सकें, कि डिजायर्ड जो आउटपुट प्राप्त करना हो वो कर सकें। अब हम यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारा लोड जो है वो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई भी एक एसी मोटर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसी जो मोटर है उसकी जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल करते हैं। एसी जो मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो लोड पे हमारी एसी मोटर लगी हुई है। जो भी एसी मोटर होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो कॉमनली हम यूज में जो टेक्निक लेते हैं वो हमारी है कि वी बाई एफ जो रेशियो है वो हमारा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो इनपुट सिग्नल का जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है वो हमारी क्या होना चाहिए, उसका जो रेशियो है वी बाई एफ वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। कॉन्स्टेंट हम कैसे रख सकते हैं, जैसे कि हम वी बढ़ा रहे हैं तो एफ भी हमारा बढ़े, या फिर हम वी कम कर रहे हैं तो हमारा एफ भी कम हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके वी बाई एफ रेशियो को कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि जो एसी मोटर है उसकी स्पीड हमारी 1400 RPM होनी चाहिए। हमने कोई भी सिग्नल दे दिया है, पावर कन्वर्टर सर्किट क्या करता है उसके वी बाई एफ उसको कन्वर्ट करता है और उस आउटपुट को लोड पे देता है। इससे हमारी जो स्पीड आती है वो जैसे माना कि हमारी 500 या 400 RPM आ गई, हमें चाहिए कितनी, 1400 RPM चाहिए, तो वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। तो कितनी स्पीड आई है वो स्पीड हमारी क्या जाती है, फीडबैक में जाती है, कंट्रोल सर्किट में जाती है। कंट्रोल सर्किट क्या करता है, उस आउटपुट को अपनी रेफरेंस वैल्यू वो है कि जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जैसे 1400 RPM चाहिए, तो 1400 RPM को 400 RPM से क्या करता है वो उसका कंपेरिजन करता है। उसके बाद में वो एक एरर सिग्नल जनरेट करता है। एरर सिग्नल हमारा किसको दिया जाता है, पावर कन्वर्टर सर्किट को हम देते हैं। पावर कन्वर्टर सर्किट उससे एक सिग्नल जनरेट करता है जिससे कि हमारा वी बाई एफ रेशियो तो कॉन्स्टेंट रहे और हमारी जो स्पीड हो जाए वो इंक्रीज हो जाए। इस तरीके से ये कंट्रोल जो फीडबैक सिस्टम होता है पावर कन्वर्टर सर्किट वर्क करते हैं और हमारी जो स्पीड होती है वो हमें 1400 RPM मिल जाती है। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हमारी बैटरी को, मोबाइल बैटरी है उसको हमें चार्ज करना है। आजकल सबको पता है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आती है हमारी मोबाइल जो बैटरी है। जो हमारे फैन रेगुलेटर होते हैं पहले सबको पता है कि रियोस्टेट यूज में लिया करते थे, लेकिन आजकल क्या होते हैं इसके अंदर भी एसी वोल्टेज रेगुलेटर यूज में लेते हैं, जो भी हमारे किस में आते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कोई भी मोबाइल है उसकी बैटरी को चार्ज करना है, तो जो हमारा लोड हो गया वो क्या हो गया, हमारी मोबाइल बैटरी होगी। जो हमारा इनपुट क्या आ रहा है, घरों में जो भी इनपुट आ रहा है वो सबको पता है कि हमारा एसी इनपुट आता है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का। कोई भी बैटरी जो चार्ज होती है, बैटरी एसी से चार्ज होती है डीसी से, ये क्वेश्चन आता है, तो सबको पता है कि बैटरी जो होती है वो डीसी से हमारी चार्ज होती है, एसी से वो चार्ज नहीं होती है। तो सबसे पहले तो जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसको डीसी में चेंज करते हैं। इसके बाद में आती है कि अब हम कौन सी टेक्नोलॉजी, हम जो हम आजकल फास्ट टेक्नोलॉजी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज में ले रहे हैं। मोबाइल की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए हम फास्ट टेक्नोलॉजी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको यूज में ले रहे हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो क्या करता है कि मोबाइल की जो बैटरी है उसका वोल्टेज क्या है ये सेंस करता है हमारा सिस्टम। मोबाइल की बैटरी का जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड करके
जो हमारा फीडबैक सिस्टम है वो एक रेफरेंस वैल्यू क्या करता है, जनरेट करता है। रेफरेंस वैल्यू जनरेट करता है और वो कितना चार्ज है उससे क्या करता है, वो एक एरर सिग्नल जनरेट करता है। ये एरर सिग्नल पावर कन्वर्टिंग सर्किट को दिया जाता है। पावर कन्वर्टिंग सर्किट होता है वो एक वोल्टेज और या फिर करंट डिसाइड करता है कि जिससे कि हमारा जो बैटरी है वो जल्दी से जल्दी चार्ज हो। इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज में आ रही है। जो पावर कन्वर्टर जो सर्किट होते हैं वो मेनली हमारे चार टाइप के होते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, सेकेंड ईयर में सबने शायद 201 में पढ़ा है रेक्टिफायर क्या होते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर को मेनली हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि एसी सिग्नल को डीसी में चेंज करती है, एसी को डीसी में चेंज करती है। एसी टू डीसी कन्वर्टर में क्या होता है, हमारा इनपुट हमारा एसी हो गया और आउटपुट हमारा क्या हो गया, डीसी हो गया। इसके एग्जांपल है जैसे बैटरी चार्जिंग है, डीसी ड्राइव्स है, एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ सिंक्रोनस मशीन है। जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक कंट्रोल्ड होता है, एक अनकंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि हम इसके अंदर हमारा जो आउटपुट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जो कंट्रोल्ड है उसका मतलब है कि हम इसके अंदर हमारे आउटपुट को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे हमारा एससीआर है, एससीआर की फुल फॉर्म क्या है, सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। उसके नाम से पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, कंट्रोल्ड है, एक सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। इसका दूसरा पावर कन्वर्टर सर्किट है हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इसके अंदर क्या होता है, हमारा इनपुट भी एसी होता है, हमारा आउटपुट भी एसी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, चॉपर बोलते हैं। चॉपर का मतलब है कि जो भी हमारा इनपुट है उसको वो क्या कर देता है, चॉप कर देता है। जैसे हम माने कि हमारा इनपुट है वो 10 वोल्ट है, तो जो हमारा आउटपुट आता है हम एक टाइम पीरियड मान देते हैं टी है, तो 0 से T/2 तक तो वो क्या होता है, 10 वोल्ट होता है। T/2 से T तक वो क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। T से 3T/2 तक वापस वो 10 वोल्ट होता है। इसलिए हम यदि उसकी एवरेज वैल्यू देखें तो एक टाइम पीरियड में देखें एवरेज वैल्यू, 0 से T में देखें तो उसकी एवरेज वैल्यू हमारी आती है 5 वोल्ट। इसका मतलब है कि हमने इनपुट 10 वोल्ट दिया था, हमारा आउटपुट कितना आ गया, 5 वोल्ट। यह हमारा स्मूथिंग फिल्टर के करने के बाद में आता है, क्योंकि तो स्मूथिंग जो फिल्टर होता है वो उस भी जो भी इनपुट सिग्नल था उसकी एवरेज वैल्यू दे देगा। इस तरीके से जो हमारा इनपुट 10 वोल्ट था, आउटपुट हमारा 5 वोल्ट है, तो क्या हो गया, इनपुट क्या हो गया, हमारा स्टेप डाउन हो गया है। इसलिए इसको हम स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं। इसी तरीके से यदि हमारा इनपुट 10 वोल्ट और आउटपुट हमारा 10 वोल्ट से ज्यादा आ जाए तो उसको हम स्टेप अप चॉपर बोलते हैं। चॉपर जो होता है वो डीसी से डीसी कन्वर्ट करता है, और जो हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं डीसी से डीसी कन्वर्टर चॉपर के, वो हैं डीसी ड्राइव्स हैं, सबवे कार्स हैं, बैटरी ड्राइवन व्हीकल्स हैं, जो बैटरी से जो भी हमारे व्हीकल चलते हैं वो हैं। थर्ड आता है हमारा एसी से एसी कन्वर्टर, मतलब कि यहाँ पे सारे पढ़ेंगे, एसी टू डीसी पढ़ेंगे, डीसी टू एसी पढ़ेंगे, डीसी टू डीसी पढ़ेंगे और एसी टू एसी। अब हम पढ़ रहे हैं एसी टू एसी कन्वर्टर। इसका मतलब है कि हमारा इनपुट भी एसी है और जो हमारा आउटपुट है वो भी क्या हमारा एसी है। ये दो टाइप के होते हैं एसी टू एसी कन्वर्टर, एक हमारा आता है साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा आता है हमारा एसी वोल्टेज रेगुलेटर। साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है कि जिसका जो आउटपुट होता है उसमें हमारा वोल्टेज भी वेरिएबल होता है, उसका जो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी वेरिएबल होता है। इसका मतलब जो इनपुट सिग्नल था उसका जो भी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है, और जो आउटपुट सिग्नल है उसकी जो भी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है, वो दोनों डिफरेंट होती हैं, एक ही क्वांटिटी चेंज नहीं होती, मतलब दोनों क्वांटिटी चेंज हो जाती है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने एसी मोटर बताया था, वो था जिसके अंदर हम V/F रेशियो को कॉन्स्टेंट रख रहे थे। V/F रेशियो को कॉन्स्टेंट रखने के लिए क्या होता है, हमें V और F दोनों चेंज करने पड़ेंगे। जैसे 10/5 = 2 है, तो हमें 20/10 करेंगे तब हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है कि हमको दोनों ही चेंज करने पड़ते हैं, जो भी ऊपर और नीचे जो क्वांटिटी है, जैसे V और F है, तो दोनों को हमें चेंज करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे V और F दोनों क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ये हमारा क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर होता है। दूसरा टाइप यहाँ पे है एसी वोल्टेज रेगुलेटर, जिसकी अभी मैं बता रही थी कि जो वोल्टेज रेगुलेटर हैं जो घरों में हम यूज में लेते हैं वो आजकल हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। ये पावर्ड होते हैं हमारे एसी वोल्टेज रेगुलेटर रहते हैं। एसी वोल्टेज रेगुलेटर का एग्जाम्पल है जैसे हम जो हमारा फैन है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना। इसमें क्या होता है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो तो कॉन्स्टेंट रहती है। ये सबको पता है कि जो भी घरों के अंदर जो भी अप्लायंसेज हम यूज में ले रहे होते हैं वो सारे के सारे एसी पे काम करते हैं।
जैसे घरों में, जैसे हमारा नेक्स्ट वाले में बताती हूँ, तो हमारा जो फैन होता है उसकी स्पीड को हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कॉन्स्टेंट रखते हैं। कि फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट नहीं रखते हैं तो मानो कि सारे के सारे फैन अलग अलग पे काम करेंगे, तो हमें फ्रिक्वेंसी कोई भी और सिस्टम हमें बीच में यूज में लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारे नहीं तो सबके घर के फैंस एक ही फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, अलग अलग करेंगे तो अलग अलग सिस्टम फिर हमें यूज में लेने पड़ेंगे, इसलिए हमारी फ्रिक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रखते हैं और वोल्टेज को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम फैन वोल्टेज रेगुलेटर यूज में लेते हैं, जो कुछ भी नहीं है, जो हमारे ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर हैं। बिकॉज पहले जो हमारे रेगुलेटर आते थे वो रियोस्टेट का आते थे, इसका मतलब हमारे एक रेजिस्टेंस लगे होते थे। रियोस्टेट में क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमारी चेंज होती रहती है। अब हम कोई भी एक इनपुट सिग्नल देते हैं, एसी देते हैं, एसी इनपुट सिग्नल देते हैं, तो वो हमारा क्या आता है, एसी इनपुट सिग्नल वैसा वैसा नहीं आता है। कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ऑफ होता है, कुछ के लिए वो ऑन होता है। सेम का सेम वो नेगेटिव और नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन में सेम होता है। और जो भी हमारे फैंस होते हैं वो आरएमएस वैल्यू पे हमारे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। आरएमएस वैल्यू शायद सबने पढ़ी है, तुम्हारा 205 शायद होगा सर्किट एनालिसिस, जिसके अंदर आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं, तुम एवरेज वैल्यू पढ़ते हो। तो जब भी फैंस होते हैं वो हमारे आरएमएस वैल्यू पे वर्क करते हैं, तो इनपुट जैसा हमने सिग्नल दिया है तो उसके जो आउटपुट जो वोल्टेज है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल करने से क्या होगा, उसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी वो कंट्रोल कर पाएगी। तो हमें फैन की स्पीड कम या करनी है या फिर ज्यादा करनी है, उसके लिए हम उस वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, आरएमएस वैल्यू कंट्रोल हो जाती है। और कंट्रोल होने से हमारा क्या हो जाएगा, फैन की स्पीड कम या ज्यादा होगी। अब बात आती है कि यहाँ पे वोल्टेज को हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे हम, एसीआर होता है उसमें पढ़ेंगे कि एक फायरिंग एंगल होता है। फायरिंग एंगल है कि किस एंगल पे हमारा क्या है, इनपुट आना स्टार्ट होता है, आउटपुट आना स्टार्ट होता है। जैसे हमने इनपुट दिया, हमारा आउटपुट नहीं आता है। हमने इनपुट जैसे 0 डिग्री पे दिया है, तो हमारा आउटपुट 30 डिग्री से जैसे आना स्टार्ट होता है, तो हमारा जो फायरिंग एंगल है वो कितना हो गया, हमारा फायरिंग एंगल हमारा हो गया 30 हो गया है। इस तरीके से हम आरएमएस वैल्यू को यहाँ पे फायरिंग एंगल को चेंज करके आरएमएस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और उससे हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन हमारा है डीसी टू एसी कन्वर्टर है सबसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं। जैसे कि आजकल घरों में यूपीएस लगा होता है, यूपीएस के साथ तुम्हारी बैटरी लगी होती है, एक यूपीएस होता है उसके साथ बैटरी होती है। बैटरी किस में आ जाती है, तुम्हारी बैटरी किससे चार्ज होती है, अभी बताया था डीसी से चार्ज होती है। तो जब भी हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा था, एसी आ रहा था, उसको हम डीसी में चेंज करते हैं, तब हमारी बैटरी चार्ज होती है। अब क्या होते हैं, बैटरी तो चार्ज होगी, लेकिन जैसे ही हमारी लाइट चली जाती है तो उस बैटरी यूपीएस क्या करता है, बैटरी से डीसी तो लेता है, लेकिन बैटरी को डीसी तो लेता है लेकिन उसको हमें अप्लायंसेज जो सारे के सारे हैं वो हमारे एसी पे काम करते हैं, तो उस डीसी को क्या करना पड़ेगा, हमें एसी में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम ये यूज में लेते हैं, जिसको कहते हैं हम इन्वर्टर कहते हैं। तो यूपीएस और जो हमारा बैटरी है उसको हम कंबाइनली इन्वर्टर कहते हैं, जो कि हमारा डीसी को एसी में चेंज कर देता है। जो हमारी इंडक्शन हीटिंग है तो उसमें हम क्या करते हैं, हीट करने के लिए वो इंडक्शन हीटिंग है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, तो वहां पे भी हम डीसी को एसी में चेंज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी एसी में चेंज करते हैं, जिससे कि हमारी हीटिंग होए। दूसरा आता है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं, जो सिस्टम मानो जैसे विंड है या सोलर है, सोलर एनर्जी होती है वो किस में स्टोर होती है, सारी की सारी जो एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी है, उसको स्टोर करने के लिए उसको डीसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। एसी फॉर्म में कभी भी चेंज स्टोर नहीं होती है एनर्जी, डीसी फॉर्म में स्टोर होती है। सोलर सिस्टम है उसके अंदर भी हमारा एसी में स्टोर हो रहा होता है, तो एसी में स्टोर हो सॉरी डीसी में स्टोर होता है, तो हमें डीसी को किस में चेंज करना पड़ेगा, एसी में चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इन्वर्टर यूज में लेना पड़ेगा। तो डीसी टू एसी इन्वर्टर ये आजकल सबके लिए कॉमन हो गया, बिकॉज सोलर सिस्टम सब जगह लगे हुए हैं, सबको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम होता है और डीसी बैटरी को हमारा चार्ज करता है। बैटरी किस में चार्ज होती है, डीसी से चार्ज होती है, तो सिग्नल क्या जनरेट हुआ, हमारा डीसी हुआ। अब जो भी अप्लायंसेस चलेंगे वो एसी से चलेंगे, तो डीसी को एसी में चेंज करना होगा। जैसे हमारे ये टर्बाइन है, विंड जो पावर एनर्जी होती है उसमें क्या होता है, जो टर्बाइन होते हैं हमारे, टर्बाइन घूमते हैं, टर्बाइन घूमने से हमारे क्या होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जनरेट होते हैं, तो उसको सबसे पहले तो हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं और फिर वापस से डीसी को, बिकॉज वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हैं तो उनको हम डीसी में चेंज करते हैं, फिर डीसी को क्या करते हैं, हम एक फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे एसी में चेंज करते हैं, जिससे कि हम उसको
अप्लायंसेज हुआ करें उसके लिए हम उसको यूज में ले सकें। इस तरीके से ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन है। केवल आज इंट्रोडक्शन बताया है, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एससीआर पढ़ेंगे। एससीआर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे एंड उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तुम्हारा जो 301 सब्जेक्ट है वो इस साल मई लेंगे, तुम्हारा थर्ड ईयर एससीआर पढ़ेंगे, फिर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर, ट्राइक पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसके टर्न ऑन टर्न ऑफ जो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में उनके जो फायरिंग एंगल कंट्रोल करने के, फेज कंट्रोल के जो सर्किट्स हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद में जैसे आज साइक्लो कन्वर्टर बताया था, साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, एसी को एसी में चेंज करता है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। जो रेगुलेटर है ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम चॉपर पढ़ेंगे। तो ये सब हम किसमें देखेंगे, जैसे जैसे हम इस कि चॉपर की तुम्हारी 1 यूनिट है, साइक्लो कन्वर्टर की तुम्हारी 1 यूनिट है, इसके लिए। लेकिन हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एससीआर पढ़ेंगे। एससीआर है तुम्हारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बिकॉज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से ही मिलकर ये बने होते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना जरूरी है। आज तुम्हें जस्ट इंट्रोडक्शन बताया है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जब भी बात आती है तो हम पावर में बात करते हैं। पावर के मतलब क्या होता है कि हमारा वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों हमारे क्या है, ज्यादा है। तो मतलब है कि हमारी हाई पावर है। हमारे पावर की तब भी बात करते हैं जब वोल्टेज और करंट हमारे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो थैंक यू।